हाय फ्रेंड्स, आज मैं मूंग दाल के पकोड़े बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हमने एक बोल मूंग दाल लिया है। इसे हमने ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया है, ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसके पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है। मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ, साथ ही मैं इसमें 4 ग्रीन चिल्लीज ऐड कर रही हूँ, 4 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ मैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये थोड़े दरदरे ग्राइंड हुए हैं, आप इसके टेक्सचर देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें हमने लिया है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून चिल्ली पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून चाट मसाला। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1/4 स्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी 1/4 कप। चावल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था, जब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे तब मैंने इसे ग्राइंड किया है, ये हमारे दरदरी ग्राइंड है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने चॉप किया है, साथ ही मैं इसमें कुछ हरे धनिया ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने फाइनली चॉप किया है। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, हमने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे रेस्ट नहीं दूंगी, जस्ट फ्राई करूंगी इसे। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, यह आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। हमने बैटर में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल फैल नहीं रहे डालने से। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसे मैं लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ, इसे मैं लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करूंगी। हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। इसे हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, इसे मैं अब निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, हमारे मूंग दाल के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। आप इसे इवनिंग में बना के एंजॉय कर सकते हैं, इसे रमज़ान में ही बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे आइटम है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ अच्छे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।